गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज उदय एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल विच इज ड्यू ओटेड क्लासेस। वंस मोर यू आर मोस्ट वेलकम इन टू ड्यू ओटेड क्लासेस। भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। आज हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पर चल रहा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, ये तीन हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे की कड़ी में उसी क्रम में देखेंगे। अगला जो है प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संकेत सूचक सर्वनाम, संकेत सूचक सर्वनाम। पूरा होना चाहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। होना चाहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरा, PRONOUN, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिमॉन्स्ट्रेट से बना है डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब है संकेत सूचक प्रोनाउन, सर्वनाम, संकेत सूचक सर्वनाम, शॉर्ट में इसको हम हिंदी में इसका अनुवाद कर सकते हैं। जब बात करते हैं परिभाषा की, वी हैव सम प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू इंडिकेट टूवर्ड्स नाउन, ओके, एंड दे आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यू कैन राइट द pronouns which are used to indicate towards 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 a noun are called demonstrative pronoun. इसमें आने वाले वर्ड्स आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल कर देते हैं यहां पर, दिस, दैट, these, those, such, such, मुख्य रूप से ये वर्ड्स इसमें आते हैं, this, that, these, those और such। जब बात करते हैं प्रोनाउन वर्ड की, तो प्रो मीन्स टूवर्ड्स नाउन, टूवर्ड्स नाउन या फॉर नाउन, प्रोमिस्ड वर्ड्स और फॉर यानी के लिए, वह सब जो नाउन के लिए प्रयोग जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हमने बताया था पहले, क्योंकि प्रो वर्ड इसी नाउन के पहले लगा है, प्रोमिस होता है फॉर, फॉर नाउन यानी प्रोनाउन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। ये सारे वर्ड जितने भी आपको दिख रहे होंगे, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे वर्ड किसी नाउन के लिए आएंगे, यानी कह लीजिए नाउन के स्थान पर आएंगे। यहाँ पर किस परिभाषा क्या है, द प्रोनाउंस माने वे प्रोनाउंस विच माने जो आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं, टू इंडिकेट मीन संकेत करने के लिए, टू वर्ड माने की ओर, ए नाउन किसी नाउन की तरफ, संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं विशेषकर प्रोनाउंस, उन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स मुख्य रूप से दिस, दैट, दीज, दोज और सच है। चलिए देखें एग्जाम्पल इसका, लिखे जैसे This is a pen. That is a pen. These are pens. Those are, these are
टेंस बेटर होगा यहाँ, दोज आर टेंस। यहां पर देखिए चारों एग्जांपल, यहां पर लिखा है दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। ये चारों एग्जांपल आपको इससे समझा रहे होंगे कि ये जस्ट प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले दिस की बात करते हैं। अगर कहते दिस इज ए पेन, इसका मतलब होगा दिस इज ए पेन। कहने का मतलब हम संकेत करेंगे करेंगे जब किसी नाउन की तरफ, और वो नाउन कहाँ होगा, हमारे आसपास होगा। कोई नाउन जो हमारे आसपास होगा, पर्सन या प्लेस विशेषकर, हमारे जब आसपास होगा या पर्सन प्लेस और थिंग जो हमारे आसपास होगा, सिर्फ संकेत करेंगे तो दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए टेबल, दिस इज अ फाइल, दिस इज अ मार्कर। तो हम संकेत कर रहे हैं दिस इज अ बुक, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ हेन, दिस इज अ डॉग। आसपास है हमारे बिल्कुल, हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर प्रयोग किया गया दिस का। लेकिन दैट, दैट का अर्थ होता है शाब्दिक वह, दैट इज अ पेन। जब वही नाउन या जो वर्ड है विशेषकर सिमिलर, तो जब दूर होगा उसके संकेत करेंगे तो दैट होगा। अगर हम कहेंगे मान लीजिए यही पेन कहीं दूर रखी दी जाए उस कोने में, और बोला जाए दैट इज ए पेन, थोड़ी दूर, दैट इज ए पेन, तो वहां पर उसका दैट का यूज होगा। ओके अगर हम कहते हैं दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन, पास में है, हमने कहा दिस इज अ फैन। लेकिन यही फैन अगर थोड़ा बाहर दूर रख दिया जाए, दैट इज ए फैन, तो दूर के लिए दैट यूज हो जाएगा, फाइन। तो यहां पर दिस का यूज हम कर रहे हैं किसी तरफ संकेत करने के लिए, ए पेन नाउन तरफ, और दैट का प्रयोग कर रहे हैं दैट इज ए हैन की तरफ, किस तरफ संकेत है, इनकी तरफ संकेत है। इसी प्रकार से दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, यहां पर ये सब कल में है, पास में कई कल में है, हमने कहा दीज आर पेन्स, ये सब कल में है। अगर हमने कहा जो हैंस, वही जो मतलब कई हैंस हो, मुर्गियां हो जाए दूर हो, तो दोज आर हैंस, दोज आर हैंस, दोज आर गर्ल्स, दोज आर ट्रीज, दोज आर डॉग्स, सो मेनी थिंग्स। दूर अगर आपके पास है, आपके आस से मैंने आपसे काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर जब कई चीज़ें होंगी दूर में, काफ़ी दूरी पर, वहाँ संकेत करने उनकी तरफ, तो हो जाएगा दोज। क्लियर? अब आपको कुछ यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये सारे के सारे वर्ड दिस क्या है, सिंगुलर, इस क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर, पेन क्या है, सिंगुलर, एस 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 एस, ये सारे के सारे आपके चीज़ें इसमें सिंगुलर देखने को मिलेगी। अगर एक वो ना काउंट करें तब भी एस प्लस एस प्लस एस सारे क्या है, सिंगुलर है। कहने का मतलब दैट वाले में दैट इज सिंगुलर, इज इज सिंगुलर, ए पेन इज सिंगुलर, ये सारे क्या है, सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लस सिंगुलर, सब सिंगुलर आपको देखने को मिलेंगे जब बात करते हैं हम दिस की या दैट की। कहने का मतलब ये है कि ये जारी है, इस कॉलम में हम जब देख रहे हैं पहला और दूसरा, पहला दूसरा एग्जाम्पल, ये सारे सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर में यूज हो रहे हैं। लेकिन वही दोज दीज आर पेन्स, यहाँ पर क्या मिला आपको, दीज प्लूरल हो गया, किसका, दिस का, यहाँ आ भी प्लूरल हो गया इसका, और पेन्स पेन का प्लूरल, यहाँ क्या मिला आपको, पी प्लस पी प्लस पी, यानी सारे के सारे यहाँ पर प्लूरल हो रहे हैं। यहाँ देखिए दोज प्लूरल किसका, दैट का, यानी कि वे सब, यहाँ पी हो गया आ इसका प्लूरल, यहाँ हो गया पी पेंस हेंस, सॉरी ये हो गया पी, यानी यहाँ पर पी प्लस पी प्लस पी, ये सारे सारे इसमें आपको प्लूरल देखने को मिलेंगे, और लास्ट में आएगा प्लूरल। क्लियर? ये था आपका इस केस में तीन और फोर, थ्री एंड फोर एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे सारे प्लूरल, मतलब सिंगुलर में दिस का यूज और प्लूरल में दिस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दैट इज सिंगुलर, दोज इज प्लूरल। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको स्पष्ट किया, एनी प्रॉब्लम? ये था आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का व्याख्या। बड़ी समझ से आपको समझ में आ गया होगा, नो प्रॉब्लम, आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए हमने आपको बताया डेमोंस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का, अच्छे से यहाँ पर यूज भी स्टार्ट में बता दिया, एग्जाम्पल में लिया, और कोई दिक्कत मेरी समझ से नहीं होनी चाहिए।
विश्वास है कि अब गलती आप नहीं करेंगे। दिस आर पेन, कभी मत कह देना दोज आर आप पेन, कभी नहीं कहना है। इसी प्रकार से दिस आर पेन्स, कभी नहीं कहना है। यहां पर दोज इज पेन्स, कभी नहीं कहना है, क्योंकि यहां सिस्टम हमारा कहता है दीज और दोज के केस में सारे क्या होंगे, पी प्लस पी सारे प्लुरल होंगे। इसी प्रकार से दिस और दैट के क्रम में दस की केस में सारे सारे प्लुरल होंगे। यहां इसलिए गलती मत करिएगा, दिस आर पेन या दैट आर पेन। ओके, ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो टेक डाउन वेरी फास्ट, हमें सफर लंबा कवर करना है। अभी हम चर्चा किए थे केवल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, कम से कम 10 है, तो इसकी व्याख्या हमें अच्छे से करनी है। सो क्विक एंड फास्ट नोट डाउन। ओके, ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे अगला, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई पी, इंट्रोगेटिव पी फॉर प्रोनाउन, पी आर ओ एन ओ यू एन, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये एक नंबर आपका हो जाएगा 6, नहीं 5 होगा, 5 नंबर का प्रोनाउन देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिभाषा लिखने के पहले मैं ऐसे समझा देता हूं, इंट्रोगेटिव अर्थात क्वेश्चन, बताया मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा था आपने। सेंटेंस जब प्रश्न पूछने का काम आता है तो उसी सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करने वाला भी कोई वर्ड होगा, तो जो वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन की शुरुआत करेगा उसे कहेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पर हम सीधा ही समझना चाहेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन का कार्य करते हैं और साथ में क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फाइन, मीनिंग द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस डूइंग द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वी हैव रिटन हियर द वर्ड्स, the words whom whose what and which, the words simply you can say the question words, the question words who whom whose what and which, doing the work of pronoun and are used the word, the question words are simply doing the work of pronouns and used to ask question, ask question are called interrogative pronoun। example तुमने ऊपर लिख दिया है, इसमें अलग समझ लीजिए sentence में, पहला What is your name? What is your name? Second, which is your favorite book? Which is your favorite book? Next, who are you?
ये तीन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे। वट इज योर नेम, विच इज योर फेवरेट बुक, थर्ड हु आर यू, फोर्थ राइट हियर वाट आर यू, वाट आर यू, फिफ्थ हु होम फूज होम 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 डू यू लाइक हु होम फूज। वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल हुज इज दिस पेन। सो फॉर एग्जाम्पल वट इज योर नेम, सेकेंड विच इज योर फेवरेट बुक, थर्ड हु आर यू, फोर्थ वट आर यू, एंड फिफ्थ हुम डू यू लाइक, एंड नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन हुज इज दिस पेन। तो ये सारे के सारे वर्ड हमने देखा, आपने देखा यहाँ पर वाट, यहाँ पर विच, यहाँ पर हु, यहाँ पर फिर दोबारा हमने वाट ले लिया, यहाँ पर हुम लिया, यहाँ पर हुज, पांचों वर्ड यहाँ पर हमने ऊपर लिखे थे, सबका यूज यहाँ पर आपने देखा। ये सारे के सारे वर्ड क्या काम कर रहे हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या है आपका नाम, यहाँ पर हमने इसके लिए वाट का यूज किया क्वेश्चन पूछने के लिए। इसी प्रकार से विच इज योर फेवरेट बुक, Which is your favorite book? हमने यूज किया यहाँ पर विच का प्रयोग किया, कौन सी किताब आपकी है चॉइस, हु आर यू कौन है आप, आप कहेंगे आई एम मोहन। इस प्रकार से what what is your next example है आपका फोन नंबर पर what are you, what are you, यहाँ पर who आर, देखिए दोनों में अंतर, अगर हम कहते हैं हु आर यू उसका मतलब है आप कौन है, आप कौन है, आप कहेंगे आई एम गीता, हम कहेंगे आई एम मोहन, आई एम पिंकी, आई एम प्रीति, आई एम सरिता, आई एम ए बी सी, आई एम ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से आंसर इसका मिलेगा हु का। लेकिन अगर कहें व्हाट आर यू, तो अगर कहेंगे आई एम गीता तो शायद अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, उसका आंसर रॉन्ग होगा। या व्हाट आर यू मतलब है आप क्या हैं या आप क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ए टीचर, व्हाट आर यू, आई एम ए टीचर, व्हाट आर यू प्लेयर, व्हाट आर यू आई एम स्टूडेंट, मीनिंग व्हाट का जो यूज होता है वो प्रोफेशन व्यवसाय को शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी इसका यूज हम विस्तार में जब पढ़ेंगे आपको करेक्ट यूज को कहते हैं करेक्शन, करेक्ट यूज या दूसरे वर्ड में सिंटैक्स, इसको हम विस्तार आगे करेंगे। यहाँ हम आपको केवल बेसिक चीज बिल्कुल जो शुरू में होती है जिसकी वजह से कई बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, भाई बहन जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बीच में कंफ्यूज रहते हैं, सर ये क्या है ये क्या है हमारे समझ में आता ही नहीं, तो उसकी हाँ बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं। बाकी करेक्ट यूज हम आपको विस्तार में अलग से समझाएंगे एडवांस्ड इंग्लिश में। कीप इन माइंड दैट राइट नाउ आई एम टीचिंग यू वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कंपल्सरी फॉर एवरी वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, और सिंपली हु इज जस्ट रीडिंग इन जस्ट 9th, 10th, 11th, 12th और सिंपली अकेडमिक क्लासेस, फॉर देम दीज जस्ट क्लासेज आर मीन राइट नाउ, लेटर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हेन आई टीच यू इन एडवांस इंग्लिश, यू डोंट वरी बी हैप्पी। समझ आ गया होगा, ये सारे कम से कम छः वर्ड आप यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर वे बच्चे जो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे। कहते सर मुझे तो नहीं आता स्पोकन कैसे किया जाता है, यही तो है रीड है आपकी स्पोकन की, यही सारे वर्ड्स जो है इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाइए फटाफट, दूसरे इस प्रश्न पर करिए। भाई प्रश्न पूछना जितना जरूरी है उतना जरूरी प्रश्न बनाना भी है, यही कहिए प्रश्न का उत्तर देना जितना जरूरी है उतना जरूरी है प्रश्न बनाना भी। अगर प्रश्न बनाना आता है तब किसी अपनी बात को कुछ चीज आपकी समझ में नहीं आती, आप इन क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं, कैसे पूछे ये सारे आपके वर्ड्स हेल्प करें, हजारों क्वेश्चन हजारों सेंटेंस आधार पर बना सकते हैं, ओके। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर टीचर्स नेम, व्हाट इज योर स्कूल नेम, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, मेनी मोर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स वी कैन मेक। सपोज नेक्स्ट वन विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट प्लेस, विच इज योर which is your house, okay, which is your book, which is your aim, so many words
सो मेनी सेंटेंसेज यू कैन मेक इन योर डे टू डे लाइफ. अगेन वी हैव टेकिंग हु, मेनी मोर सेंटेंसेज यू कैन मेक. हु आर यू, ओके, हु इज सी, हु इज ही, ओके, हु एम आई, सो मेनी वेज यू कैन यूज हु. फाइन, इसी प्रकार से वर्ड का उपयोग मैंने बता दिया. हुम का यूज कर सकते हैं, हुम डू यू लाइक मोस्ट, ओके, हुम डज शी लाइक, हुम डू यू चूज, ओके. नेक्स्ट वी हैव हुज, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस चेयर, हुज इज दिस हाउस, हुज इज दिस मार्कअप, हुज इज दिस क्लास, हुज इज दिस गार्डन, हुज इज दिस स्कूल. सो मेनी वेज यू मेक द क्वेश्चंस. होप दैट जो भाई बहन हमारे वीडियो देख रहे होंगे, इस प्रकार से जितना हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं प्रॉब्लम के रूप में, ये सारे के सारे वर्ड आप लेकर के सेंटेंस कम से कम प्रत्येक पर 10-10 सेंटेंस आप बनाएं और स्पोन लिस्ट में डे टू डे लाइफ में उसका यूज करें. फाइन, हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं देख रहे हैं. व्हाट इज अलोन हेयर, इस प्रकार से बीच के बाद भी आपको कोई नाउन नहीं दिख रहा है. इस प्रकार से हु के बाद भी कोई नाउन नहीं दिख रहा है. वर्ड के बाद यहाँ कोई नाउन नहीं है, होम के बाद भी कोई नाउन नहीं है, होस के बाद भी कोई नाउन नहीं है, जस के बाद, जस इनके बाद कोई वर्ब आया हुआ है, इसीलिए प्रोनाउन है. तो क्या अर्थ निकला यहाँ पर व्याख्या के लिए, अगर क्वेश्चन वर्ड हु, होम, हुज, व्हाट, विच, ये सारे वर्ड अगर स्वतंत्र रूप से आए हों, उनके बाद कोई नाउन ना हो और प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हों, तो यही सारे के सारे सेंटेंस में जब आएंगे तो इन्हें कहेंगे क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. समझ गए होंगे, ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो वी गॉट एटलीस्ट डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो मेरी समझ से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपका भी कैपेसिटी हम देख रहे हैं, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा एक साथ पढ़ा देते हैं, और दूसरी बात वीडियो अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है. अभी देखिए पिछली बार की वीडियो करीब 45-50 मिनट की बनी है, अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है. सो शॉर्ट वीडियो इज़ बेटर, आप इसको अच्छे समझ गए होंगे. ये था आपका इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन, इसके पहले था आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. फाइन, शॉर्ट में आप फिर से उसका फीडबैक ले सकते हैं, आप सम अप कर सकते हैं. जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्ड्स यूज होने वाले हैं, विशेषकर दिस, दैट, दीज, दो, सच हुआ करता है. दिस दैट का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और दिस दोस का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं. ये दोनों सारे वर्ड्स जो होते हैं किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल देकर के बाई जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ओके, दिस इज माई पेन, दिस इज योर हाउस, दैट इज माई पेन, दैट इज योर हाउस, ओके. उसी को दोस्त के रूप में कहना है तो दोज आर योर पेन्स, दीज आर योर जस्ट हेंस, ओके, दीज आर एनिमल्स, दोज आर डॉग्स, दोज आर हेंस. दिस वे यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेज बेस्ड ऑन दिस एंड दैट, दीज एंड दो. ध्यान दीजिएगा, दिस दैट सिंगुलर है और दीज और दोज प्लूरल है. एक के लिए दिस और दैट, एक से अधिक के लिए दीज और दोज. दिस का प्लूरल दीज और दैट प्लूरल दोज हुआ करता है. दिस के केस में सारी चीजें क्लियर होंगी. दिस इज अ पेन, दिस सिंगुलर, इज सिंगुलर, अ पेन सिंगुलर, दैट इज अ डॉग, दैट इज दैट दैट प्लूरल, सॉरी दैट सिंगुलर, इज सिंगुलर, अ डॉग सिंगुलर, मीनिंग एस प्लस एस प्लस एस. केस होगा किसका, दिस और दैट का, लेकिन दोज और दिस के संबंध में सब प्लूरल होंगे. दोज आर पेन्स, दोज प्लूरल है और आर प्लूरल है, पेन्स प्लूरल है, पी प्लस पी प्लस पी. दीज आर हेंस, दीज प्लूरल है, आर प्लूरल है और हेंस प्लूरल है. ये किसका केस है, ये आपका केस है दीज और दोज का. फाइन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है सेंटेंस के आधार पर, जैसा सेंटेंस हो, अगर अफर्मेटिव है तो आपका फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव बन गया तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, जैसा सेंटेंस वैसा आपका क्वेश्चन मार्क या जो भी क्या कहते हैं पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाएगा. पंक्चुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. हरि अनंत हरि कथा अनंता, अभी कई सारे चैप्टर रह गए हैं, अभी तो हमने आपको पूरी फिल्म नहीं बताई, केवल ट्रेलर दे रहे हैं, समझ लीजिए. अभी बहुत बड़ी मंजिल आपको कवर करनी है. पंक्चुएशन मार्क है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, ओके, सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड है, शॉर्ट फॉर्म्स है, फोनेटिक्स की बात भी हम करेंगे. सो मेनी थिंग्स आर देयर,
सो डोंट वरी, कीप पेशेंस, हेल्प मी, कोऑपरेट मी बाय व्यूइंग माय वीडियो फुली एंड कंप्लीटली, मीनिंग ए टू जेड यू सी माय वीडियोस, डोंट मिस एनी थिंग दैट आई एम टीचिंग हियर, दैट आई एम शेयरिंग हियर और दैट आई एम गिविंग हियर। तो ये था आपका प्रोनाउन के बाद आपका, बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। याद रखिएगा सब मेन वर्ड्स हैं आपके, क्वेश्चन वर्ड्स हमने बताया था 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उन्हीं 11 क्वेश्चन वर्ड्स में से हमने यहाँ पर आज 5 जो लिया है, हु, whom, whose, what और which, यही सारे 5 वर्ड जो हुआ करते हैं इन्हें कहते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के कार्य में यूज किए जाते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा हु, whom, whose, what और which, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में आएंगे, प्रश्न पूछने के काम में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ अकेले होंगे, साथ कोई नाउन नहीं होगा। फाइन, ये था आपका आज का क्लास। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट द थिंग्स आई गिव यू, यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस, एंड द बेस्ट थिंग यू यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ इफ यू वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद me now till I make the next video, you keep on smiling, laughing and practicing more and more. Now bye bye, see you, take care.